शैडोफैक्स पार्टनर ऐप कैसे यूज करना है, क्योंकि शैडोफैक्स का जो ऐप है पार्टनर ऐप जो है थोड़ा सा इसका जो प्रोसेस है अलग टाइप का है, स्विगी जोमेटो से जो हल्का सा अलग है। इसमें स्लॉट बुक करना पड़ता है, उसके बाद रैड मारना पड़ता है, तो इसका जो प्रोसेस है हल्का सा मतलब दूसरे ऐप से अलग है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कैसे शैडोफैक्स पार्टनर ऐप में लॉगिन करना है, कैसे स्लॉट बुक करना है, कैसे ऑर्डर मतलब डिलीवर करना है। आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल में समझाएंगे आपको वीडियो में, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर देना। तो चलिए आगे का प्रोसेस जो है आपको हम लेके चलते हैं फ़ोन के डिस्प्ले पे। तो हम आ गए हैं फ़ोन के डिस्प्ले पे और हमें जो है शैडोफैक्स ओपन करना है, शैडोफैक्स पार्टनर ऐप। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और ये जो है मेरा पहले से लॉगिन है। लॉगिन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है, मोबाइल नंबर डालिएगा, उस पर एक OTP आएगा, मैंने पहले कॉल जाएगा, कॉल आप उठा लीजिएगा, उसके बाद फिर OTP जाएगा, OTP डाल लीजिएगा, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन होने के बाद देखिए ऐसा डिस्प्ले शो करेगा। तो इसमें अभी हम क्या है ऑफलाइन है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टेक्स्ट मैनेजर ऑफलाइन। ठीक है, तो हमें जो है सबसे पहले इसमें ऊपर लिखा हो रहा है नो बुक स्लॉट, हमें जो है सबसे पहले स्लॉट बुक करना है। स्लॉट आप बुक जो है आप जब काम करने जा रहे हैं उसके पहले भी कर सकते हैं, हाँ, या जिस पर काम पे गए हैं उसी पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बुक नाउ पे क्लिक करना है, जो ऊपर लिखा हुआ स्लॉट बुक करने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे आए और यहाँ पे देखिए कुछ तरीके से ऐसा शो करेगा। आप देखिए नीचे लिखा हुआ रहा है ऐड स्लॉट, हम इस पर क्लिक करें और आज जो है 20 जून है। ठीक है, तो 20 जून का जो है यहाँ पे क्या क्या है वो शो करेगा। तो यहाँ पे ऊपर देखिए आ रहा है लिखा हुआ है ग्रोसरी, तो हमें ग्रोसरी का ऑर्डर अगर आप मानना चाहते हैं तो ग्रोसरी बुक कीजिए। हमें जो है फूड का करना है, क्योंकि हम फूड का करना चाहते हैं, तो नीचे देखिए लिखा हुआ आ रहा है फूड, तो हम फूड पे क्लिक करते हैं। तो फूड पे क्लिक करने के लिए आपको जो नीचे लिखा हुआ है ना मोर स्लॉट, एक दिन लिखा मोर स्लॉट, हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जिस टाइम में आप जो रैड मारना चाहते हैं उस टाइम में यहाँ पे शो कर जाता है। देखिए हमारा जो है 12 से 4 का स्लॉट है, 4 से 7 बजे का स्लॉट है, अब 7 से 12 बजे तक का स्लॉट है। ठीक है, तो ये आप जब स्लॉट बुक कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर स्लॉट बुक हो गया तो वो कैंसिल नहीं होती है। ठीक है, तो हमें जो है 12 से 4 का बुक करता हूँ और फिर इस पर क्लिक करता हूँ, फिर 4 से 7 का स्लॉट बुक करता हूँ और फिर इस पर क्लिक करके 7 से 12 का रात 12 तक स्लॉट बुक करता हूँ। अब यहाँ से आपको बैक आना है। ठीक है, बैक आएंगे तो यहाँ पे जो है आप स्लॉट जो बुक किए हैं वो शो कर जाएगा। फिर यहाँ से बैक आए, ठीक है, अब यहाँ से बोल रहा है कि आप ऑनलाइन आइए। ठीक है, तो गो ऑनलाइन पे क्लिक कर देते हैं हम। ओके, और यहाँ पे जो है आपको ये कोरोना के लेकर के जो भी है आप सब पे SSSSS पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। ओके, अब जो है यहाँ पे आपका सेल्फी मांगना चाहिए, नहीं मांग लिया सेल्फी जो है, तो आपको टेक्स्ट सेल्फी पे क्लिक करना है और मास्क के साथ फ़ोटो देना है। चलिए, और ऐसे आप फ़ोटो जो है मैं दे दिया हूँ, अब जो है मेरा ऑनलाइन हो गया है। ठीक है, प्रोफाइल जो है आप यहाँ से ऊपर डिजाइन पे क्लिक करके यहाँ से प्रोफाइल अपना आप चेक कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से आप अपना जो भी है सारे प्रोफाइल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप बाकी मैं आपको आगे जो है जब राइड इसमें बजेगा उसके बाद जो है राइड कैसे मारना है, कस्टमर को कैसे डिलीवर करना है, उस सारे मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। उसके बाद कितना पैसा बना एक राइड पे और कहाँ पे पैसे शो करता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ, तो जब तक वेट कर लेते हैं। हाँ, तो ये जो देखिए मेरे पास, तो ये देखिए मेरे पास जो है ऑर्डर बच गया है, मैं यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ये जो है मेरा ऑर्डर प्रीपेड है, मैंने ऑनलाइन पहले से पेमेंट है, और ये जो ऑर्डर है हमारे पास स्विगी का है, आपके पास जोमेटो का भी आ सकता है और मेडिसिन का भी ऑर्डर कभी कभी आ सकता है। ठीक है, तो हम इस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए हमें क्यूटी रेस्टोरेंट का नाम है,
ठीक है। कॉल सेलर जो है यहाँ से हम रेस्टोरेंट को कॉल कर सकते हैं, नेविगेशन का ऑप्शन यहाँ से हम रेस्टोरेंट का नेविगेशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या आइटम है वो नीचे देखिए शो कर रहा है, हम आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आइटम है वो शो करेगा। जीरा तार का सारा प्लेन मैंने चावल है, राइस राइस वो है। एनी प्रॉब्लम के लिए आप यहाँ से कॉन्टेक्ट सपोर्ट जो आ रहा लिखा हुआ है, यहाँ से आप कस्टमर केयर को आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं सबसे पहले रेस्टोरेंट के पास, ओके। अब वहाँ से जो आइटम है वो हम लेंगे, उसके बाद कस्टमर को डिलीवर करेंगे। तो चलते हैं हम रेस्टोरेंट के पास। तो हम जो हैं रेस्टोरेंट का जो लोकेशन है वहाँ पर हम आ गए हैं। तो हम ये जो अराइव का ऑप्शन आ रहा है नीचे में, हमें इसको स्लाइड करना है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्ट, टाइप टू कलेक्ट, मैंने आइटम जब कलेक्ट हो जाएगा तो हमें यहाँ से ऑर्डर को पिकअप करना है। तो जब तक आइटम रेस्टोरेंट में बनता है जब तक हमें वेट करते हैं। और मैं जो हूँ रेस्टोरेंट से ऑर्डर ले लिया हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइटम पे क्लिक करना है और यहाँ जो है एक कॉलम खाली है इस पर क्लिक करना है, ओके कर देना है। उसके बाद स्वैप टू कलेक्ट पे स्लाइड कर देना है। ये जो है ऑर्डर मैं पिकअप कर लिया। अब जो है कस्टमर का एड्रेस जो है हमारे पास शो कर रहा है, ये नीचे शो कर रहा है। यहाँ से आप कस्टमर को कॉल भी कर सकते हैं, नेविगेशन का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो मैं नेविगेशन देख लेता हूँ एक बार, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से आगे जाके लेफ्ट साइड में ही है, ठीक है। तो हम बैक आ जाते हैं, अब चलते हैं कस्टमर के लोकेशन पे। तो ये मैं आ गया हूँ कस्टमर के लोकेशन पे और मैं यहाँ पे अराइव पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और अब जो है हमें कस्टमर जो है सेकेंड फ्लोर पे बुला रहे हैं, तो इनका दरवाज़ा लॉक है, तो हमें कॉल करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं रिक्वेस्ट पे, उधर से कॉल आएगा। तो हमें जो है कस्टमर कोड में डिलीवर कर दिया हूँ, ओके। अब यहाँ पे आइटम पे क्लिक करते हैं, यहाँ से क्लिक करके ओके कर देते हैं, फिर यहाँ से डिलीवर कर देते हैं। ये जो है ऑर्डर मेरा डिलीवर हो गया है, अब ऐसा शो करेगा। फिर से दूसरा ऑर्डर आ गया है मैकडोनल्ड का, ठीक है। हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये डायरेक्ट मैकडोनल्ड की तरफ से ही है, ठीक है। तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर बैक आता हूँ, ठीक है। तो अगर ये ऑर्डर ना शो करें तो आप फूड पे क्लिक कीजिएगा तो ऑर्डर ये शो कर जाएगा। बाकी जो ऑर्डर मैं मारा हूँ इसका डिटेल बता देता हूँ, ये देखिए आप हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो जो मैं ऑर्डर ये मारा हूँ यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है। ये वाली ऑर्डर यर्निंग में बात करें तो इधर देखते हैं कुछ दिखा रहा है कि नहीं, ये मैं अभी बैंक जो है ऐड नहीं किया हूँ, ठीक है। ये जो मैं ऑर्डर मारा हूँ ये शाम तक या कल सुबह तक जो है इसका सारा ऑर्डर का अपडेट शो करता है, ठीक है। एनी हेल्प के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ओके। बाकी फिर आप होम पे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है ऑर्डर शो नहीं कर रहा है मेरा, जो मैं ऑर्डर एक्सेप्ट किया हूँ। तो मैं फूड पे क्लिक करूँगा तो देखिए ऑर्डर शो कर जाएगा और यहाँ से फिर हम यहाँ रेस्टोरेंट का लोकेशन देख सकते हैं। साइड ऑफेक्ट में जो भी आप काम किए हैं उसका जो पेमेंट है कंपनी के द्वारा जो पेमेंट आती है वो बुधवार या वीरवार को आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है, जो आप बैंक पार्टनर ऐप को दिए हैं, साइड इफेक्ट पार्टनर ऐप को दिए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक कर देना, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।